Shalini Chauhan. Congratulations, Shalini. Thank you so much. Thanks. Thanks a lot. Thanks, yeah. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Smile. Kevin, I've been sitting like this for the last hour. It's hurting you now. 2 minutes. What? Nothing. मेरे जाने के बाद क्या करोगे? ढूंढ लूंगा कोई और जो इतना हिले नहीं. मुझसे बेहतर कोई नहीं मिलेगी. ऐसा तुम्हें लगता है? मुझे मिस करोगे? शादी करोगी मुझसे? क्यों? क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं, या इसलिए कि तुम्हारे पास एक अमीर बाप है, या फिर इसलिए कि अब ऑफिशियली तुम मुझसे एक बेहतर पेंटर हो गई. डैड तुम्हें पसंद नहीं करते केविन. उनके लिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मुझे. तुम? मैं धर्म नहीं मानती. फिर? I'm used to a certain lifestyle, केविन. बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चाहा है मुझे मिला है. I'm the best of them. अब अचानक वो lifestyle छोड़ देना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा केविन. अगर यही चाहिए था तुम्हें तो वो इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? क्या कर रही हो तुम? Washing my sins off. What sin? I lied to you. I wash my sins off when I lie. Always.
केविन, करते क्या हो केविन? आर्टिस्ट हूँ। अरे आर्टिस्ट तो शालिनी भी है। What do you do for a living? लोग मेरी पेंटिंग्स खरीदते भी हैं। Really? Come with me. I'll show you something interesting. Come, follow me. ये पेंटिंग देख रहे हैं? ये 75,000 रुपीस और ये वाली 1.5 लाख रुपए की है और ये 3 लाख रुपए की और इनमें से कोई भी मास्टरपीस नहीं है। मास्टरपीसेस तो हमारे बेडरूम में लगी हैं, यू नो, द ठाकुर्स, द रॉयस, श्रेष्ठास एंड द सेंट्स। एक बात बताओ केविन, तुम्हारी पेंटिंग्स लोग कितने पैसों में खरीदते हैं? भाग चलते हैं। तो लूवर भाग चलते हैं। जरा वहां का फोटो लेना। Good morning. Good morning, Nilesh. It's been a long, long time. 5 महीने, 21 दिन. Please. Thank you. Tell me, what can I do for you? Ah, मेरी बेटी की शादी. Oh, मुबारक हो. Thank you. कब है? कल. Sorry, short notice. तो अब यहाँ आने का असली मकसद भी बता दो दीक्षित. Kevin Travasso case. That's an open and shut case. Fingerprints है, motive है, murder spot से गिरफ्तार किया गया है वो. It's all there, so hang him. That's the problem. It's too simple. 2006 Roy, 2007 Thakur. सब जानते हैं उन fakes के पीछे उसी का हाथ है. सबूत का एक कतरा नहीं, he's scot free. क्या सोच रहे हो? तुम exactly क्या चाहते हो दीक्षित? I told you, Nilesh. पुलिस का काम है सस्पेक्ट को गिरफ्तार करना, बरी करना या मुजरिम ठहराना अदालत का काम है. सो यू हैव डन योर जॉब. दे डोंट कॉल यू शोलक फॉर नथिंग निलेश. यू मस्ट हैव रेड द विटनेस स्टेटमेंट्स. रामप्रसाद जी, आपकी दुकान खुलती कितने बजे? साहब, डेयरी का बिजनेस है हमारा. सवेरे 5 बजे खुल जाती है और रात को 8-9 बजे बंद हो जाती है. क्या आप बता सकते हैं कि मैडम से मिलने कौन कौन आते थे? तस्वीर खरीदने के लिए ग्राहक लोग तो आते ही थे, परंतु उस रात केविन साहब आए थे. रात को लगभग 9 बजे मैंने साहब को मैडम के साथ घर में घुसते देखा. फिर बाद में शाम को जब घर जाने के लिए निकले, तब भी साहब घर से बाहर निकले नहीं थे. और सुबह? सुबह 7:30 बजे फिर साहब को घर में प्रवेश करते देखा. 5 मिनट के बाद साहब हम भी घर में घुस गए. खून! और कोई जो मैडम के घर में अक्सर? आदित्य जी,
आते थे और उस रात भी आए थे, फिर वो चले गए। राम प्रसाद ने सही बताया साहब, मैंने भी अक्सर आदित्य को शालिनी के घर आते जाते देखा। कत्ल की पिछली रात आपने क्या सुना? कई बार शालिनी के चिल्लाने की आवाज़ आई, आई विल किल यू, आई विल किल यू। उसके रोने की आवाज़ भी आई। उस वक्त ऊपर कौन था आप बता सकते हैं? वो था। और कोई? और वो आदित्य, वो आता था। अच्छा ये बताइए, मैडम के घर और कौन कौन आता था? हाँ साहब, वो जो हवाई जहाज ड्राइव करते हैं ना साहब, वो भी आते थे। आपका मतलब पायलट से है? जी साहब जी, वैसे ही पोशाक पहनकर एक साहब आते थे, संडे, वेडनेसडे और थर्सडे, सुबह 7:30 बजे के आसपास, नीले रंग की मारुति कार में। लेकिन सर उस दिन तो फ्राइडे था, लेकिन वो आए थे साहब, 7 बजे आए और 7:15 बजे चले गए। कुछ गाड़ी का नंबर याद है आपको? गाड़ी का नंबर 7546, नहीं 6574, ऐसा ही कुछ था सर। आप बता सकते हैं कौन सी एयरलाइंस? उस पायलट के बारे में क्या पता चला? मेरा भाई अनुराग। हाउ डू यू नो? उसी ने बताया। उसकी गाड़ी का नंबर है 4756। इट्स अ ब्लू मारुति। और ये बात तुमने अब तक किसी से बताई नहीं? ये बात अगर खुल गई तो उसकी फैमिली बिखर जाएगी नीलेश। वो शालिनी से प्यार जरूर करता था, लेकिन उसने उसका खून नहीं किया। उस दिन तो उसे मिलने भी नहीं गया था। Are you sure? No. इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। उसकी बातों से लगता है कि वो सच कह रहा। 25 साल इस फील्ड में हूं, इतना कुछ देख चुका हूं कि आई रियली डोंट नो। पायलट की तलाश जारी है। यू नो इट्स लाइक लुकिंग फॉर अ नील इन अ हेस्टैक। आई नो दैट नीलेश, लेकिन एक न एक दिन वो बात खुल के सामने जरूर आएगी। आई नीड योर हेल्प। थैंक यू सो मच नीलेश। एनी टाइम। थैंक यू वंस अगेन। यू आर वेलकम। ज्यादा भी कॉन्फ्रेंस मत रख। गेम बंद करो, चलो चलो। क्या भिड़ू, भाभी के लिए साड़ी बन रही है क्या? कहाँ थे सुबह से? काम भिड़ू, काम करना पड़ता है। अब क्या है, ये सब जो मेहनत करके अपन कमाया है ना, वो सब किसी न किसी को देना है। अपन का क्या? केविन, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। कभी सोचा नहीं था तुमसे यहां मुलाकात होगी। यहां मुझे तो तुमसे जिंदगी में दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। पेपर्स में पढ़ा था मैंने,
कल ही मुंबई आई थी ऑफिस के किसी काम से। अच्छी लग रही है। Did you do it, Kevin? नहीं। No, I did not. नहीं मिला था मैं शालिनी से उस दिन। कहाँ थे तुम उस सुबह? अरे, I'm telling you, I had a flight. समझने की कोशिश करो अनुराग। उस सुबह करीब 7 बजे एक पायलट को उसके घर में आते हुए देखा था और 15 मिनट बाद वो वहां से निकल गया था। That's impossible. That's a lie. मैं उस दिन सुबह 7 बजे ट्रैफिक में फंसा हुआ था। फ्लाइट थी मेरी उस दिन सुबह, बोल रहा हूँ आप लोगों को। No smoking on rug. Government office. पिछले कुछ दिनों में तुमने शालिनी में कोई चेंज नोटिस किया था? हाँ, वो कुछ डरी डरी सी रहती थी किसी वजह से। डरी डरी? एनी रीजन? आई डोंट नो दैट। उसने मुझे बताया नहीं और काफी दिनों से कुछ ज्यादा पीने लगी थी। तुम्हारी पत्नी शालिनी के बारे में जानती थी? No, she doesn't know that. She should know this, please. शालिनी से कैसे मिले थे तुम? एक पेंटिंग एग्जीबिशन में उमा मेरे साथ थी और उसने एक पेंटिंग भी खरीदी शालिनी की। What did you want from her, Anurag? मर्द शादी के बाद दूसरी औरत के पास दो ही कारण से जाते हैं, सेक्स और लव। विच वॉज इट फॉर यू? यू डिडंट वॉन्ट टू बी टुगेदर? मैं उमा को छोड़ नहीं सकता था। क्यों? इनका कोई बच्चा नहीं। शी सफर्स फ्रॉम एक्यूट डिप्रेशन। और शालिनी? क्या वो नहीं चाहती थी कि तुम दोनों? उसने इस बारे में कभी बात नहीं की। उसके पास्ट के बारे में क्या जानते हो? दिल्ली में रहती थी, पेंटर थी, 2 साल पहले मुंबई आई थी, दैट्स इट। टेल मी समथिंग अनुराग, एयरलाइन की तरफ से तुम्हें कोई ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट या कार नहीं मिली थी? I prefer to drive my own car and I park it at the airport. कोई एनिवर्सरी या इन दोनों की वजह से कोई झगड़ा? What is it? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? वहाँ किसी और को देखा तुमने इन कपड़ों में? मैं वहाँ अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। आज फर्स्ट एनिवर्सरी है हमारी, साथ डिनर करेंगे। बट एज यूजुअल, हमेशा की तरह अक्षय का लास्ट मोमेंट कॉल और ये कह देना कि जरूरी काम है और बैंगलोर जाना है। Kevin? Kevin? Kevin?
केविन, केविन, क्या लगता है नीलेश? स्ट्रेंज, प्रोफेशनल पेंटर थी, अच्छा खासा कमा रही थी, गुड क्लाइंट्स, फिर भी केविन के अलावा और कोई है भी नहीं जो उसके बारे में कुछ खास जानता है। Kevin, I want to help you. अगर तुम बेकसूर हो तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कोर्ट में तुमने बताया कि तुम शालिनी को पिछले 8 साल से जानते हो, उसे चाहते थे, उससे शादी करने वाले थे, पर वो आई नहीं। she didn't turn up. Kevin, भाग चल। Am I correct? So motive है तुम्हारे पास, although not a very strong one, but फिर भी motive है। August 24th तुम कैलकटा से मुंबई आए, उसी रात तुम शालिनी से मिले और अगले दिन सुबह उसका मर्डर हो गया। आई एम नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। तुम ये कहना चाहते हो कि पिछले 8 सालों में यू नॉट इन टच विद ईच अदर, और 8 साल के बाद अचानक एक अनजान शहर में पहली रात को ही तुम उससे टकराए और अगले दिन वो सुबह है। जी, टेल मी समथिंग केविन, तुम उससे कहाँ मिले थे और उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था? ये सब मैं कोर्ट में कई बार कह चुका हूं सर। तो एक बार फिर कहिए ना मेरे लिए। उस रात आंधी में सारे ट्रॉलर्स डूब गए, डैड का बिजनेस खत्म हो गया। He was devastated. वो बीमार पड़ गए। मैं उन्हें उस हालत में छोड़ के नहीं आ सकती। अगले दिन मैं तुम्हारे घर गई थी, पर तुम जा चुके थे। मैं इंतजार करती रही, फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। डैड मेरी शादी करवाना चाहते थे एक बहुत बड़े घर में। मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड दुबई में सेटल थे। The only thing he was interested in was sex. 2 साल बाद डैड गुजर गए। गोवा में कुछ बचा नहीं था, इसलिए मैं दिल्ली में रह गई 2 साल और, फिर मुंबई। अलूवरा? नहीं गई। I waited for you. Kevin, वैसे इन 8 सालों में तुम बहुत बदल गए हो। You even look so different. Total corporate types, hmm? Like the one who would own a chain of salons. Sorry. Dad would have probably approved of you if he saw you now. वैसे आज सर्कल में कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। Do you still paint? नहीं। आदित्य, दिस इज केविन। बहुत पुराना दोस्त है मेरा। कैन यू इमेजिन, 8 सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। केविन, दिस इज आदित्य। वेल, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इज अ ब्राइट यंग बॉय। आदित्य, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? तुम्हारी आज अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर सुशीला के साथ। आई नो आदि, एक्चुअली केविन इतने सालों बाद मिला। या राइट, बाय।
डॉक्टर से अपॉइंटमेंट किस बात की थी? ट्रैक्शन एंड ओल्ड एज सिंड्रोम. तुम्हें नहीं हुआ अभी तक? पैसे कहाँ रखे हैं, ज्वेलरी कहाँ रखी है, कुछ याद नहीं रहता. इयररिंग्स, बैंगल्स पता नहीं कहाँ रख देती हूँ, फिर कभी मिलते ही नहीं है. आई थिंक आई एम जस्ट लूजिंग इट. और आदित्य, वो क्या करने जाता है डॉक्टर के पास? ही जस्ट ड्राइव्स मी देयर. तुम्हें खुद ड्राइव करने का शौक था? मुंबई में ड्राइविंग का कोई मज़ा नहीं है, घंटों स्टक इन ट्रैफिक. I'll get it. केविन वो बस एक अमीर बाप का बेटा है. Who just wants to sleep with me. But I don't. I haven't. I think I'll make a move. Make appointment. You still hold it against me, don't you, Kevin? मेरे लिए आसान नहीं था. मैं तुम्हारे घर गई थी, but you were gone. You didn't even give me that chance. 8 साल पहले की बात है शालिनी. Let's move on. No, Kevin. बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस आदमी से मुंह मोड़ लेना जिसने मेरी मेरी माँ के बाद मेरे लिए इतना कुछ किया था. It was a bloody difficult decision for me to make. But that you didn't realize. Because for you, everything had to be in black or white, espari or espari. Everything had to be at the press of a button. बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर. An alcoholic, no life. And still holding on to my past as if. Look, Shalini. Don't look, Shalini, nee, Kevin. Taste tumhare ego ko padi thi kyunki main tabhi ke tabhi apna decision nahi le pai. Because how can anyone but your lordship ever use any discretion, right? Good night, Shalini. Yes, of course. Of course, good night. Tum to yahi kahoge na? Kyunki tumhe to lag raha hoga that you're standing in front of a whore to whom young boys come late in the night for a bang. Enough, Shalini. I wasn't feeling well. मैं अपने होटल लौट आया और उसके बाद पूरी रात मैं बार में ही था. That's true. बार मैनेजर ने अपनी गवाही में यही कहा था. और सुबह दोबारा तुम शालिनी से मिलने वापस गए. शालिनी, 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 शाल, खून, 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 शालिनी, खून, शालिनी के सर पे चोट के निशान मिले थे, दो. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक चोट पुरानी थी, एक ताज़ा. इस पुरानी चोट के बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं. क्या शालिनी ने कभी अपने किसी डर के बारे में तुमसे कुछ कहा? वो काफ़ी बदल चुकी थी. अगर उसे किसी बात का डर होता तो भी मुझे पता नहीं होता. तुम मुंबई क्यों आए? Why, Kevin? Why? एक पेंटिंग असाइनमेंट के लिए. रति बोस कौन है? दोस्त है मेरी. गोवा छोड़ने के बाद क्या करते थे तुम? एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कंपनी के लिए काम करता था. कहाँ? ट्रूजॉन, दिल्ली. फिर? कोई फिक्स काम नहीं था सर. एंड व्हाई लूवर पेरिस? स्कॉलरशिप.
हर साल एक पेंटर सेलेक्ट होता था, उस साल शालिनी सेलेक्ट हुई थी। पोस्टमार्टम के मुताबिक शालिनी की मौत 7 और 8 के बीच में हुई थी, सवेरे सवेरे। केविन रात भर बार में था, इट्स पॉसिबल कि वो वापस लौट कर, हो सकता है उसने सवेरे उसे मारा हो, बट आई एम जस्ट नॉट कन्विंस्ड, यू नो। आदित्य के पास कोची का टिकट है, वो टिकट यूज़ हुई है, सो रति बोस, और उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अनुराग हैज नो अलिबाई। शालिनी को जो रात को चोट लगी थी वो केविन की मौजूदगी में हो सकती थी, एंड केविन इज लाइंग, नीलेश, ही इज लाइंग। The blood was fresh, Dikshit. Yeah, I know. पर ये भी तो हो सकता है कि केविन वहाँ सुबह चेक करने आया था और उसने देखा कि शालिनी जिंदा है और तब उसने उसे, you know? It's possible. प्यार में धोखा, पुराना जख्म, शराब, बदला, possible, कर सकता है। आदित्य भी कर सकता है, jealousy, अनुराग, blackmail. बिड़ू, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ आज अचानक ये दोनों मुझे बचाना क्यों चाहते हैं? अपन की एक बात याद रखना, औरत जात पे कभी भरोसा मत करना। How long has it been since someone has come here? I guess a month. Why? ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
फोरेंसिक में तुम्हारा बंदा है कोई जो ऑफ द रिकॉर्ड काम कर सके? हाँ है। इस ग्रिल को स्कैन करवा लो एंड मैच इट विद व्हाट वी हैव। आई विल। तनिक होई जाए हमरे अटरिया पे हाजर संवरिया देखा देखी तनिक होई जाए हाजर संवरिया। रामप्रसाद, अरे ये भार्गव साहब हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। नमस्कार। अरे साहब, एमआरपी इज ऑलवेज फार दिला बाय दिला, मतलब लीगली योर सर। राम प्रसाद जी, आप दिन में ऐसे कितने पैकेट कितनी बार बनाते हैं? साहब ये दिन भर का काम है, चलता ही रहता है। अच्छा, जिस दिन शालिनी का मर्डर हुआ यहाँ, तो उस दिन आपने केविन और उस पायलट को यहाँ आते हुए देखा? हाँ साहब, देखा। और कोर्ट में आपने किसी नीली मारुति के बारे में भी बताया था? जी सर, जी। कहाँ पार्क होती थी वो? साहब वो वहाँ, एक्चुअलिटी में सर वो जगह मिसेस मलकानी की है। अच्छा। और वो सवेरे सवेरे अपनी गाड़ी में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। राम प्रसाद जी, इस शहर में तो सैकड़ों हजारों नीली मारुतियाँ हैं। हाँ सर। तो ये मुमकिन है कि वो किसी और की गाड़ी है, उस पायलट की नहीं है? नहीं सर, हमने तो उनको घर के अंदर जाते देखा है। और निकलते हुए वो नीली मारुति? नहीं सर, ये नहीं देखा, इतना ध्यान नहीं दिया सर। बाबू, बाबू। हाँ। कोई मिसेस दीक्षित आपसे मिलने आई है। दीक्षित? मिसेस दीक्षित? मिसेस अनुराग दीक्षित। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मिस्टर दीक्षित, अनुराग ने शालिनी को नहीं मारा मिस्टर भार्गव। आप उन दोनों के बारे में जानती थी? आई एम हिज वाइफ। फिर भी आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि अनुराग ने? मैंने कहा ना कि मैं उनकी पत्नी हूं। अनुराग कुछ भी कर सकते, लेकिन जान नहीं ले सकते। प्लीज आप रोइए मत, प्लीज आप। वो बेगुनाह है। प्लीज डोंट क्राई, मैं बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता हूँ। आई जस्ट बिकम वेरी नर्वस व्हेन वुमेन क्राई। प्लीज आप। He's innocent. Yes, I'm sure he is, but ये आप कैसे जान सकते? देखिए मिसेस दीक्षित, एक लड़की का कत्ल हुआ है। आपके पति अनुराग, ही इज जस्ट अ सस्पेक्ट एज ऑफ नाउ। वो भी किसी को पता नहीं है, अब तक तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, यू नो। मिस्टर भार्गव, जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट प्लीज। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आज मैं आपसे मिलने आई। श्योर, आई प्रॉमिस यू दैट। Please, allow me. Shukriya. Good night, Mrs. Dixit. Good night.
मिस्टर दीक्षित, मुझे पता है आप अनुराग की पत्नी हैं, पर अब मेरे पास आने की बात आपको कैसे सूझी? मैंने उन्हें कमिश्नर साहब से बात करते सुना है। जिंदगी में पहली बार बेटा योर पापा इज स्लाइटली कंफ्यूज्ड। पापा इज स्मार्ट ना? ब्लू ऑरेंजेस। The very quest of happiness leads us away from it. It takes us to many a shore, yet away from the real goal. For real happiness lies within the confines of our own selves. Seek not in the world what lies within you. Want not what you have already. Uljhe, uljhe, khayalon se. Somewhere. Yeah, sure. Thanks. How much? What? How much? You're giving the wrong person a ride, sweetheart. I'm not a whore. First left, then straight. शालिनी आपके यहाँ कब से रहती थी? करीब 1.5 साल। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अच्छी लड़की थी, किराया एकदम टाइम पे देती थी। वो तैयार थी, शराब, दुनिया भर के मर्द, शराब के बोतलों के टूटने की आवाज़ें उस रात भी आई थी। देखिए साहब, हम मामूली लोग हैं, ये किराया हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब ये कोर्ट और पुलिस का चक्कर, हम तो मारे जाएंगे साहब। गोयल जी, उस रात के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? झगड़ने की आवाज़ें आईं 2-3 बार। दो या तीन? चार, चौथी चीख तीसरी के 15 मिनट बाद। आपने कोर्ट में बताया कि आपने शालिनी को आई विल किल यू कहते हुए सुना। चौथी चीख एक मर्द की भी आवाज़ आई थी, आई विल किल यू। तीसरी चीख के बाद भी एक मर्द की आवाज़ आई थी, लेकिन ये आई विल किल यू चौथी चीख के बाद। ऊपर कौन था? केविन ही होगा, हमने तो उसे निकलते हुए देखा नहीं। गोयल जी, आपने तो उनको अंदर आते हुए भी नहीं देखा था ना? रामप्रसाद ने कोर्ट में कहा था। आपने जब शालिनी को आई विल
किलियू कहते हुए सुना, तो क्या ऊपर जाके चेक नहीं किया? चेक? देखिए साहब, शालिनी तो अकेले में भी चीखती थी, कई बार देर रात उसके रोने की आवाजें भी आती थी, और उस रात हम काफी के लेट भी चुके थे। आपके घर में और कौन कौन है? हमारा बेटा हरी अंदर पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन में, बीकॉम। तीसरी बार, दो बार फेल हो चुका है। वैसे झगड़े की आवाजें हमारे बेटे हरी ने भी सुनी, आप उसे मिलना चाहेंगे? Why not? जरूर आइए। हरी, हरी बेटा, अरे दरवाजा खोलो बेटे। हरी, हरी, हरी दरवाजा खोलो बेटा। हरी, हरी क्या हो? हरी, हेलो हरी। बेटा ये भार्गव साहब हैं, ये शालिनी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं होगा। क्या कर रहे थे? पढ़ते पढ़ते जरा आंख लग गई। सो रहे थे? हाँ। कहाँ? मतलब? मतलब बिस्तर पर या पढ़ते पढ़ते टेबल पर? यहाँ? गुड। उस रात तुमने कुछ सुना था हरी? हाँ, झगड़ने की आवाज। दिन में कितने घंटे पढ़ते हो? 12 से 15 घंटे। इसी टेबल पर? तो उस रात तुम यहीं पढ़ाई कर रहे थे? किसी को आते जाते देखा? नहीं, वो साइड तो ब्लॉक्ड है। शालिनी को जानते हो? शालिनी? तो नींद से उठने के बाद तुम सबसे पहले बालों की कंघी करते हो, क्योंकि तुम्हारे बाल तो बिल्कुल बिखरे हुए नहीं है। चलिए, थैंक यू। माय प्लेजर। जीरो साहब। Such mistakes should not be repeated again. ऐसी रिपोर्ट से तुम्हारा केस और भी कमजोर पड़ सकता है। आप लोग मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? Just a lack of occupation. उस रात जब तुम शालिनी के घर से निकले तो क्या तुमने दरवाजा बंद किया था? शायद किया था। Tell me something, Kevin.
उस पुरानी चोट के बारे में तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता? नहीं। नीलेश, रति बोस पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इन द लास्ट 1.5 मंथ्स वो दो बार मुंबई आई थी, 25 तारीख को भी आई थी जिस दिन शालिनी का खून हुआ। एक दिन के लिए आई थी वो, आज वो फिर आ रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया, ये कोई तरीका है? मैडम, मेरे पे क्यों गुस्सा रहे? साहब आएगा, उससे आप बात करो। सुनो, अपने सुपीरियर को बुलाओ अभी। आई वांट एन एक्सप्लेनेशन नाउ। साहब आगे। रति बोस जी, हम केविन ट्रेवेसो की बात कर रहे हैं, आप उन्हें जानती हैं, वो इस समय हमारी कस्टडी में है, कुछ बातें क्लैरिफाई करनी है, दैट्स ऑल। तो कुछ बातें क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ इस तरह पकड़ कर लाते हैं? आई एम सॉरी, वी अपोलोजाइज फॉर दैट। जब ये हादसा हुआ मैम, फ्राइडे 25th पिछले महीने आप मुंबई में थी, आप पहली फ्लाइट से मुंबई आई थी। जी, SCMP बैंक के चेयरमैन के साथ मीटिंग थी मेरी। ये हादसा सवेरे सवेरे हुआ था। आई डोंट थिंक कि बैंकर्स अपनी मीटिंग सुबह सुबह रखते हैं, इवन द वंस दैट डोंट स्लीप। आपकी मीटिंग कितने बजे थी? 11 बजे। आपकी फ्लाइट 6 बजे लैंड कर चुकी थी। होटल कॉन्टिनेंटल में कमरा बुक था मेरा, यू कैन चेक देयर रैकेट्स, और ऑफिस से मुझे हमेशा वही ठहराया जाता है। आपको मर्डर के बारे में कैसे पता चला? पेपर्स में पढ़ा था मैंने। राइट, थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू, कैन आई लीव नाउ? ऑफ कोर्स यू मे लीव। व्हेन वी नीड यू आई विल कॉल, एंड व्हेन यू नीड टू बी समन्ड यू शैल कम। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड योर एंग्जायटी, बट एक बार बता देते व्हाट यू आर अप टू। वी विल कॉल व्हेन इट्स नेसेसरी। बेटा, पापा इज अ बिट कंफ्यूज्ड, कैन यू हेल्प? यू थिंक दिस विल हेल्प? She was suffering from sciatica, इसलिए मैंने उसे traction advice किया था। Was it very painful? कभी-कभी yes। ऊपर से उसकी alcohol की problem, that only added to the problem। उसके साथ did someone usually accompany her? आदित्य मेहरा। उस दिन तुम सुबह फ्लाइट से कोची गए थे आदित्य, am I right? जी, हमारे ब्रांच ऑफिस में। जवाब आदित्य देगा मिस्टर मेहरा। टेल मी आदित्य, द नाइट बिफोर जब केविन शालिनी के घर से निकला रात को करीब 11:30 बजे, तो तुम वहीं बाहर खड़े थे अपनी रेड मर्सिडीज के पास, राइट? आई नो तुमने क्वार्टर में कुछ और कहा है, बट आई थिंक के सच्चाई यही है। भार्गव साहब, आदित्य घर पर था। आदित्य, शालिनी को जानते थे? जी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। भार्गव साहब, हम शरीफ और जिम्मेदार नागरिक। आदित्य, मर्डर की पिछली रात तुम शालिनी से मिलने गए, करेक्ट? क्यों? व्हाई? उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। तुम दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी? जी, उसे ऑटो और टैक्सी नहीं मिल रही थी। मैं वहां से गुजर रहा था तो
मैंने उसे लिफ्ट ऑफर किया। शरीफ जिम्मेदार मददगार नागरिक हैं योर सन। टेल मी आदित्य, उस रात जब तुम शालिनी से मिलने गए तो क्या केविन वहीं पे था? हाँ, इससे पहले तुम कभी उसे मिले थे? नहीं। क्या केविन तुम्हें जानता था? कैसे? यू हैव अ रेड मर्सिडीज आदित्य। तो केविन ट्रेवासो को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास रेड मर्सिडीज है? टेल मी, शालिनी के बेडरूम की खिड़की फैक्ट्री की तरफ खुलती है, केविन ने तुम्हें गाड़ी के पास कैसे देखा आदित्य? मैं बता। हाउ प्लीज? मैं उस वक्त वहां नहीं था, मैं सीधे घर गया था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मुझे इस तरह शर्मिंदा होना पड़ा। सिर्फ इसीलिए कि तुम एक ऐसी औरत के चक्कर में पड़ गए हो जो आदित्य, आई जस्ट होप तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। नहीं डैड, आई स्वेयर। ही इज लाइंग। तुम्हें कैसे पता? उस रात अनुराग कहाँ था? मैंने पूछा नहीं। शायद आदित्य लौट आया था, पर अगली सुबह तो वो कोची में था। That's what his manager says. And he was the only one at the branch, but केविन को कैसे पता चला कि आदित्य के पास एक लाल रंग की मर्सिडीज है? शालिनी के बेडरूम की खिड़की तो सड़क की तरफ खुलती नहीं। नीलेश, क्या यह मुमकिन है कि केविन को पहले से ही पता हो कि आदित्य के पास ऐसी गाड़ी है? It's possible. ये मैंने सोचा नहीं। अगली हियरिंग कब है? थर्सडे। मुझे लगता है उसे शायद बेल मिल जाएगी। Who killed her, Kevin? I don't know. You still love her, don't you? 8 saal pehle, yes. Nothing else mattered. Aur 8 saal baad? I just feel sad. To, ab kya plan hai tumhara? एक अच्छा सा लॉयर हायर करूंगा जो मुझे उस जगह से दूर रख सके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है लोग मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं। पहले बिना कुछ कहे सुने मुझे जेल में डालते हैं और फिर वही लोग मुझे आकर बचाना चाहते हैं। मगर तुम इसमें मेरे साथ क्यों फंस रहे हैं? तुम्हारे साथ उस एक रात की मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी केविन। और हमारे बीच जो कुछ हुआ उस दिन, अक्षय को मैंने सब कुछ बता दिया। And that was it. एक नई जिंदगी। And I guess I owe that to you. चलो, मैं तुम्हारे किसी काम तो आ सका। वापस कब जा रही हो? नहीं जा रही हूँ, 15 दिन की छुट्टी लिया मैंने। Thank you.
क्या है? बुढ़िया चाहिए। किसने भेजा है? दीक्षित ने, कमिश्नर दीक्षित ने। क्यों? मैं गरीब आदमी हूँ साहब, पिछले महीने थाने में भेज दिया था। प्रमोद जी और तेरी साथ में आए थे, दोनों लेकर गए साहब। क्या बेचते हो? क्या चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, क्या बेचते हो? दर्द। पांच लाख दस से कम में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा मेहता साहब। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कासिम भाई ने तो कहा था फुली कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। कासिम भाई के कहने की वजह से ही मैं मुंबई आने को तैयार हुआ, वरना समझ गया। अरे केविन भाई, आपने 10 लाख कहा, मैं 10 लाख में राजी हो गया, लेकिन कब तक? रात बहुत हो चुकी मेहता साहब, मेरे ख्याल से अब आपको निकलना चाहिए। हाँ, रात तो काफ़ी हो चुकी है। जी हाँ। वो जाने के पहले ये रहा 1 लाख रुपए एडवांस और ये रेफरेंस। कब तक? मैं आपको फोन कर दूंगा। कब तक किरण भाई? 1 महीना। थैंक यू सो मच। तुम करते क्या हो केविन? आर्ट एजेंट हूँ, बताया तो था तुम्हें, इसी असाइनमेंट के लिए मुंबई आया था। एक असाइनमेंट के 10 लाख मिल जाते हैं तुम्हें, और फिर आर्ट एजेंट हो तो फिर फोटोकॉपी किस लिए? जिसके बारे में जानकारी नहीं, इसमें खामखा क्यों लगती हो? आई एम सॉरी। यू मेक फेक्स Don't you? You make fakes, right? It's the last one. I promise. Trust me. द नाइट बिफोर द मर्डर तुम कहाँ थे अनुराग? घर पे था, उमा साथ थी मेरे।
मुझे उमा से शायद पूछना पड़ेगा इसके बारे में। तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे थी? 7:15। मैंने पूछताछ की थी, उस दिन तुम्हारी फ्लाइट डिले हो गई थी, am I correct? एक ही बात दोहरा हूं बार बार, एयरपोर्ट क्रॉसिंग का सिग्नल देखा नहीं आपने? इट्स अ नाइटमेयर, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, मैं बता चुका हूं पहले। क्या उमा तुम्हारे और शालिनी के बारे में जानती थी? नहीं। अनुराग, लेट्स स्टॉप प्लेइंग दिस कैट एंड माउस गेम्स, आई वांट टू नो द ट्रुथ। आई एम नॉट प्लेइंग एनी गेम्स। कुछ हुआ हो तब भी घर का एक आदमी दूसरे को बचाने की कोशिश करता है, या कुछ किया नहीं है तब भी आप बेचैन हुए जा रहे हैं। शट अप, दैट्स इनफ, दैट इज इनफ। ये घर नहीं है, ये ऑफिस है, दैट इज इनफ। क्या बात, क्या है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाट्स माय प्रॉब्लम? ये सवाल आप ही के पास है, ये फासा आप ही कल बनाया हुआ है। क्या कहना चाह रही हो तुम? ज्यादा बनने की कोशिश मत करना। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? राइट, घर में रहते उसका मतलब ये नहीं कि मुझे मालूम नहीं कि आप घर के बाहर क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं? कम ऑन, स्टॉप इट अनुराग, सब जानती हूँ मैं आपका और शालिनी के बारे में। बकवास मत करो। व्हाट वाज इट, वाज शी प्रेग्नेंट? इनफ। Not a word, Ma. वरना वरना क्या क्या कर लेंगे आप? मार ही डालेंगे ना? Oh, shut up! Cut grill. Liar, liar. पैसे पैसे कैसे हैं इसके पास? चोरी चोरी. Possible. Stealing from the dead. शालिनी के घर में सिर्फ एक खिड़की। मिसेस गोयल ने चार बार सुनी, दरवाजा बंद होने की आवाज दो बार। हेलो, हरि प्रसाद गोयल। हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तुम शालिनी के घर में घुसे थे। नहीं, मुझे मालूम नहीं। तुमने अपने बयान में कहा कि पिछले 1.5 सालों में तुम शालिनी के घर कभी नहीं गए, तो फिर ये फिंगरप्रिंट्स कहां से आए? तुमने शालिनी का खून किया, डैमिट, तुमने किया? नहीं, मैंने, तुमने किया? शराब, तुमने किया खून? ये फिंगरप्रिंट्स कहां से आए? उसके घर का गेट तुम्हें नहीं काटा? He is lying, Nilesh. He is lying through his bloody teeth. हरी, तुम अपनी खिड़की से निकलते थे, पानी की पाइप चढ़ते थे और शालिनी के घर में घुसते थे। वो समझने लगी थी कि वो अपनी चीजें खोने लगी है। वो खोन ही रही थी, तुम चुरा रहे थे, तुम चोरी करते थे। अगर तुम सच सच बताओ, हमारी मदद करो, तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं, वरना ये फैसला तुम्हारे हाथ है। बोलो बेटा, बोलो ना, साहब ने कह दिया है तो कुछ ना कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। बोलो बोलो। मैंने ही ग्रिल काटा था। तुम चोरी करते थे, करते हो, पैसे गहने वगैरह वगैरह। तुम शालिनी के घर गए थे चोरी करने के लिए? मैंने किसी का खून नहीं किया। उस रात तुमने और क्या देखा? मुझे नहीं पता। तुम अपनी बाथरूम की खिड़की से सड़क देखते थे, कई बार तुम वहां बैठ के सड़क देख चुके हो। शालिनी कब आती थी, कब जाती थी, घर खाली कब रहता था,
उस रात केविन के जाने के बाद तुमने किसी को आते जाते देखा? मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैंने कुछ नहीं देखा। गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन हो गया है, किसी अनुराग दीक्षित के नाम पर है। पायलट लाइसेंस एयरलाइन। कसम खा कह रहा हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है, उसे बचा लीजिए साहब। मैं 10 मिनट पहले चाहिए साहब, और जब मैं आई अनुराग कहाँ है? साहब तो पहले से चला गया है। तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। डॉक्टर चोपड़ा, उस ड्रॉअर में एक डायरी है, उसमें उनका नंबर है। निलेश, उमा शालिनी और अनुराग के बारे में जानती थी। पटेल दीक्षित बोलते हैं। हो अनुराग दीक्षित की गाड़ी इंटरसेप्ट करा, नाकाबंदी करूं टाका। ऑल एग्जिट पॉइंट्स टू बी सील्ड। क्या ये क्या चल क्या रहा है? ये रोका क्यों है मुझे? कुछ बोल। क्वाइट। उमा हॉस्पिटल में। क्यों, क्या हो गया उसे? अनजान बनने की कोशिश मत करो अनुराग। क्या मतलब? अरेस्ट हिम। अरे क्या हुआ, क्या है? अरेस्ट हिम आई सेड। अरे पर क्यों? शट अप, शट। आई टेक इट। क्या किया क्या मैंने? शट अप, गेट इन। आपको बताना होगा मैंने क्या किया। सिट इन द बेड। बट व्हाई? गो, बिकॉज़ योर कार हैज बीन आइडेंटिफाइड। गो इन आई सेड। अनुराग, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। Oh, my God.
सहगल जी, मैं हरी का कमरा एक बार फिर देखना चाहता हूं। Uma, what happened? Did Anurag? नहीं, अनुराग बेकसूर है। गलती से मैंने कुछ ज्यादा ही गोलियां खा ली। Why, Uma? क्यों? The night before the murder, क्या अनुराग घर पे था? हाँ। क्या तुम कभी भी शालिनी से मिलने गई थी? एक आध बार पेंटिंग्स खरीदते। तुम अदालत क्यों आई थी? मुझे अनुराग की फिक्र थी इसलिए। Tell me something, Uma. क्या तुम अनुराग और शालिनी के बारे में जानती थी? उसकी मौत के बाद। Take care, Uma. मैं जानती हूँ कि तुम किन परेशानियों से गुजर रहे हो केविन, but that's over now. Nothing is over yet. संवाददाता शिशिर जोशी ने अभी अभी यह खबर दी है कि शालिनी चौहान हत्याकांड में पुलिस को जिस पायलट की तलाश थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पायलट है मुंबई के पुलिस कमिश्नर के छोटे भाई अनुराग दीक्षित। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब मुमकिन है कि शक का कांटा मुख्य आरोपी केविन ट्रेवासो से हटकर अनुराग दीक्षित पर आ जाए। केविन ट्रेवासो को जमानत पर बरी किया गया था। गौरतलब है कि अनुराग हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती किया गया है, इसलिए पुलिस अभी तक उनसे कोई बयान नहीं ले पाई है और अनुराग दीक्षित ने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। सूत्रों से पता चला है कि कमिश्नर दीक्षित को इस बात की खबर पहले से थी। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात करने से भी साफ इनकार कर दिया। इस मामले से जुड़ी और खबर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। हेलो, यस ओके ओके बाय। सर, फैक्स आया।
दीक्षित, जिस दिन उस फेक रॉय पेंटिंग के बारे में पता चला था, व्हाट इज मैजेस्टी, मिस रुद्र भार्गव विशेस यू अ वेरी गुड इवनिंग. वो इस वक्त ड्रिंक पीने के मूड में नहीं है, सो शी शैल जॉइन अस विद अ कूल फिज. हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? व्हिच स्कूल डू यू गो टू? शी इज एडिक्टेड टू दिस जंक. हियर यू आर. वो बात नहीं कर सकती. प्लीज प्लीज कम. Here we are, Your Majesty. Your right. Chocolate. मैंने आज से पहले ऐसा व्हीलचेयर कभी नहीं देखा. ये मैंने डिजाइन की है. ये हुआ कैसे? It was a car accident. मेरी पत्नी, उसकी तस्वीर देख रहे हैं आप. She was killed. My in-laws were killed. Rudra was paralyzed and I managed to escape with just a broken arm. तो इसीलिए आपने प्रैक्टिस छोड़ दी? और जाना भी क्या था? इसकी देखभाल कौन करता? इसकी पढ़ाई, स्कूलिंग. But that was not the only reason. तो? मुझे बचपन में डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक था. मैं अपने क्लास का मॉनिटर हुआ करता था. सो जब इंटर क्लास प्लेज हुआ करते थे, आई यूज टू ऑलवेज चूज डिटेक्टिव स्टोरीज, और डिटेक्टिव मैं खुद बनता था. लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार जब मैं स्टेज पर गया, मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने गलत बंदे को अक्यूज कर दिया. माय फादर ऑलमोस्ट डिसोन्ड मी फॉर दैट. केविन, सम व्हिस्की? यस थैंक यू. वाटर? लती, अ ड्रिंक फॉर यू? नो थैंक्स. सम जूस? Yeah, sure. Okay. Orange juice coming up. Blue oranges? ये रुद्रा की फेवरेट बुक है. It says that अगर हम किसी भी चीज पर पूरा यकीन करें तो वो होके रहती है. किसी भी काम को अगर हम पूरे दिल से करना चाहें ना, तो वो करके रहते हैं. Ultimately वही होता है जो हम देखना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं. सो रुद्रा और मैंने पूरे दिल से बस यही मान लिया है कि किसी न किसी दिन ये जरूर अपने पैरों पर चलेगी. ऑफ कोर्स यू विल. आपने मुझे क्यों बुलाया? डिटेक्टिव डिटेक्टिव खेलने. महादेव सिर्फ कुक नहीं है, he is a chef, you know. क्या हुआ केविन, तुम्हें खाना पसंद नहीं है? Oh, it was great. लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं सर, मुझे बुलाया क्यों? If you remember, केविन, दो साल पहले तुम्हें एक फेक पेंटिंग के मामले में इम्प्लीकेट किया गया था. मेरी बेगुनाही साबित हो गई थी. Yes, I know that. But I also know that You did it. तुम इसलिए बच गए क्योंकि टेक्निकली तुम वहां नहीं थे जहां तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिबाई था. मोहम्मद कासिम दिल्ली में, उसने कोर्ट में कहा था कि तुम दिल्ली में ही थे, मुंबई में नहीं. उस दिन रेलवे की स्ट्राइक थी और फ्लाइट से हर पैसेंजर के रिकॉर्ड का स्कैन किया गया था. तो
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस दिन केविन तुम दिल्ली में नहीं मुंबई में थे और बहुत तेजी से मुंबई पहुंच गए थे, ट्रेन से नहीं, प्लेन से नहीं, बट बाय रोड। तुमने कहा था तुम किसी दिल्ली वाली ट्रूजो कंपनी के लिए काम करते थे, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कंपनी, एम आई राइट? जिस दिन उस पेंटिंग की डिलीवरी हुई थी मुंबई में, उस दिन दिल्ली से ट्रूजो कंपनी एक और डिलीवरी की थी। डिलीवरी सुनील मेहरा ने ली थी। डिलीवरी का आइटम रेड मर्सिडीज। तुम्हें पता था केविन, तुम्हें पता था कि आदित्य के पास एक रेड मर्सिडीज है। ना मैं आदित्य को जानता था ना ही उसके बाप को। वो डिलीवरी भी किसी और ने ली थी। क्योंकि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग एलिबाई था, है ना? मोहम्मद कासिम। और मोहम्मद कासिम ही ट्रूजो कंपनी का मालिक था केविन। शालिनी के पास एक पेंटिंग थी, कृष्णा और सीता। Does it mean anything to you? करने का शौक। मुंबई में ड्राइविंग का कोई मजा नहीं है, घंटों स्टक इन ट्रैफिक। आई लाइड टू यू, आई ऑलवेज वॉश माई सिंस ऑफ व्हेन आई लाई। आई ऑलवेज वॉश माई सिंस ऑफ व्हेन आई लाई। धीरे, स्लो डाउन, स्लो डाउन। मुंबई में ड्राइविंग का कोई मजा नहीं है, घंटों स्टक इन ट्रैफिक। Thank you.
Yes, Kevin. अनुराग ने शालिनी को क्यों मारा? अनुराग ने किसी को नहीं मारा. वो फोटोग्राफ्स दिल्ली की है, राइट? राइट. मेरी बीवी, मेरे इन-लॉज दिल्ली से थे. ये एक्सीडेंट कब हुआ? 4 साल पहले. 4 साल पहले शालिनी भी दिल्ली में थी. She always washed her hands off when she lied. और उस रात she lied to me. दूसरी गाड़ी कौन चला रहा था? Who was driving the other car, Nilesh? Shalini Chauhan. Very smart, Kevin. It was just an accident. Just an accident. Just an accident? तुम उसे एक्सीडेंट कहते हो? उस एक्सीडेंट ने मेरी बीवी की जान ली थी. शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी डाइड. उसके साथ मेरा बच्चा भी. रुद्रा को देख रहे हो? उसकी हालत देख रहे हो? बात तो कर नहीं सकती. वो बेड, व्हीलचेयर, व्हीलचेयर, बेड, बेड, व्हीलचेयर. दैट्स इट. डे इन एंड डे आउट. तुम्हारा कोई अपना नहीं है ना, अपंग अपाहिज, जिसके साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी पड़े. इसलिए तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है. यस, काश के तुम्हारा कोई अपना होता. उन्होंने इस पूरे मामले को दबा दिया था. जस्ट स्वेप्ट इट अंडर द कार्पेट. ब्रेक फेल माय फुट. शी वॉज ड्रंक, शी वॉज पिस्ड आउट ऑफ अवर माइंड. पैसे वाले थे, उनकी पहुंच ऊपर तक थी. किसी ने इल्जाम अपने सर पे लिया था और बस कुछ पैसों के लिए. दैट्स इट, फिनिश्ड. द केस वाज क्लोज्ड और मैं कुछ नहीं कर सका. हेल्पलेस. बैरिस्टर नीलेश भार्गव वाज मेड टू लुक लाइक अ फूल. और तुम इसे एक्सीडेंट कहते हो? एक्सीडेंट. इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट. इट वाज अ क्राइम. मर्डर. मुझे उस वक्त बुलाने की असली वजह क्या है नीलेश? रुद्रा से मिलाने के लिए. शालिनी को उसकी पहली चोट कैसे लगी? क्या तुमने कांच टूटने की आवाज नहीं सुनी? नहीं. कोई बात नहीं, होता है. Enough, शालिनी. शालिनी की उस पेंटिंग के बारे में क्यों पूछ रहे थे? शालिनी के फादर का नाम जनकराज चौहान था. थिंक, थिंक केविन, थिंक. शी हैड टू पे फॉर इट केविन. She had to pay for it. हरी की मौत भी महज एक एक्सीडेंट नहीं थी. पहले कभी देखा नहीं है. There is a strange feeling in my stomach. Excuse me. It's either I'm hungry or I'm in love. And the only way I can find out is by taking you out for dinner.
Are those your lines? नहीं, actually किसी फिल्म की. बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें मुझे इस हालत में देखकर. An alcoholic. No life. जी बाबू, ये कमिश्नर साहब को भिजवा देना. जी. और ये दूसरी वो लड़का जो है केविन, केविन ट्रेवेसो. जी. Oh my God. Rudra? पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा. देखिए पैसे की जिस सिस्टम के सामने मैंने अपने आप को इतना कमजोर और बेबस पाया था, आज वो खुद चलकर आया था मेरे हाथों की कठपुतली बनने. पुलिस, कानून, मुलजिम, सबूत, इस फीलिंग को शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता. मेरे लिए ये एक सेंसेशनल खेल था जिसके रूल्स मैं अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता था. आई कुड कंट्रोल एवरीथिंग. आई कुड कन्विक्ट एनीवन. I could acquit anyone. I was the criminal. I was the judge. I felt like the almighty. पर साथ ही मेरे लिए ये एक मौका था उस इंसान को और करीब से जानने का जिसे मैंने मारा है. तुम जानते हो, और ईश्वर भी इस बात का गवाह है कि मैं अनुराग को नहीं जानता था. उस वक्त नफरत और बदले के जुनून में मुझे बस एक ही चेहरा नजर आता था, शालिनी का. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट ऑफ माई प्लान. मुझे नहीं पता था कि इस मामले में केविन भी उलझ जाएगा. सारे सबूत उसके खिलाफ थे. केविन और अनुराग को बेकसूर साबित करने के लिए मेरा इस केस में इन्वॉल्व होना और भी जरूरी हो गया. जहां तक उस पायलट का सवाल है, मैंने जानबूझकर फ्राइडे का दिन चुना था, इस उम्मीद में कि उस पायलट के पास कोई एलिबाई जरूर होगा. पर बदकिस्मती से अनुराग के पास कोई सॉलिड एलिबाई नहीं रहा. इन दोनों के साथ मेरे लिए इस केस की दिशा ही बदल गई. अब मेरा मकसद इन दोनों को बेकसूर साबित करना था, और इसी दौरान और भी किरदार इन्वॉल्व होते गए. हरी की असलियत, आदित्य का झूठ, इनके साथ ये केस मेरे लिए और भी इंटरेस्टिंग होता गया. उन्होंने मेरे लिए इतने सारे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब ढूंढे बगैर मैं रह नहीं पा रहा था. इट वॉज मोर देन जस्ट अ गेम फॉर मी नाउ. इनके साथ मैं अपनी ही इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ हो गया,
The thrills of unanswered questions momentarily took me away from my main objective. पर इस बीच एक हादसे ने एक बार फिर इस केस का रुख ही बदल दिया। हरी की मौत। इस पूरे केस में शायद मिस्टर गोयल ने सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। उन्होंने अपना बेटा ही खो दिया। इस लिफाफे में एक चेक है उनके लिए। मैं जानता हूं इस रकम से उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी, पर इस वक्त मैं उनके लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। दीक्षित प्लीज उनसे कह देना कि वो अपने घर का लॉक बदलवा लें। सारे फसाद की जड़ वही लॉक। उस आदित्य पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि उस रात वो शालिनी के घर के बाहर ही खड़ा था। इट डजंट सीम स्ट्रेंज टू मी नाउ दैट द सर्कल ऑफ लाइफ इज ऑलवेज कंप्लीटेड। द वेरी थियरी विद विच आई यूज्ड टू कन्विक्ट सो मेनी पीपल ड्यूरिंग माई डेज ऑफ प्रैक्टिस वॉज फाइनली एप्लीकेबल फॉर मी टू। A criminal always returns to the scene of crime. Kevin, Nilesh उस पेंटिंग का जिक्र क्यों कर रहा था? शालिनी के पिता का नाम जनकराज चौहान था। तो? रामायण में सीता के पिता का नाम भी जनक था। शालिनी डरी हुई थी। सीता अपनी माँ के पास जा रही थी, धरती माँ के पास। शालिनी को मौत का डर था। जब से उसने मुंबई में नीलेश को देखा था, उसे उसकी आंखों में मौत नजर आने लगी थी। वो रहम की भीख मांगने लगी थी। और कृष्ण? कृष्ण के कई नाम हैं, नीलेश उनमें से एक है। यू नीड टू हैव डन दिस नीलेश। किसी को पता भी नहीं चलता। रुद्रा कैसी है? गुड, खुश है। केविन दोबारा गोवा लौट चुका है। उसकी मीटिंग किसी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट से हुई थी जो अब रुद्रा का इलाज कर रहा है। केविन थिंक्स शी विल वॉक अगेन। ओह, दैट्स वंडरफुल। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? कुछ केसेस हैं जिन्हें एक अच्छे लॉयर की ज़रूरत है। सो All right, Nilesh. Thank you. You're always welcome. चोट लगी है शालिनी? नहीं, पांव फिसल गया था, कान से लग गई थोड़ी सी। बुलशिट! ये उस केविन ने किया है ना? केविन्स डन दिस टू यू। दैट्स इट। आई एम गोना किल हिम। गोना किल हिम फॉर व्हाट हीज डन टू यू। व्हाट? गोना किल दैट बास्टर्ड। चले जाओ यहां से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? आई विल किल यू। चले जाओ यहां से। दूर हो जाओ यहां से। कभी भी आई विल किल यू। Thank you.
Seek not miracles in the world, as they only exist within oneself. For the divine miracles are manifested every second of our lives. In each bud blooming into a flower, in the first steps of a child, in the sun rising every morning, in nursing an ailing person back to health, in drawing unrestrained laughter from a lost heart. Miracles are like blue oranges. They exist only in the realms of one's mind. खुशी के निशान तू ढूंढे कहाँ, यूं तुझ में बसा है ये सारा जहां। दिल की नजर से देखे अगर तो खुशियाँ वही जहाँ, खुशी के निशान। मुस्कान कैसे खिली, फूलों को रंगत कहाँ से मिली, सोचा है पल भर ठहर के कभी, है तुझ में भी ऐसे करिश्मे सभी। देखे तू जिधर बस जाए जन्नत वहाँ, खुशी के निशान तू ढूंढे कहाँ, यूं तुझ में बसा है ये सारा जहां। खुशी के निशान के निशान तू ढूंढे कहाँ, यूं तुझ में बसा है ये सारा जहां। दिल की नजर से देखे अगर तो खुशियां वही।